हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो मिल्कशेक। ये बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं मैंगो मिल्कशेक बनाना। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक आम, इसे हम ऊपर से छील लेंगे। यहाँ पे लिए कुछ आइस क्यूब्स, एक ग्लास दूध, कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश करने के लिए एक कटोरी चीनी और कुछ ठंडा पानी चाहिए हमें इसमें मिक्सचर में डालने के लिए। सबसे पहले हम आम को ऐसे छील कर तैयार कर लेंगे। इसे हम ऊपर से ऐसे छोटे छोटे पीस में काट लें। इसे करके इसका सारा हमें गुदा निकाल के तैयार कर लेना है। ये हमारे गुदा निकल गया, अब इसे हम मिक्सचर जार में डाल के इसे चला लेंगे। ये सारे गुदे को हम जार में डाल लेंगे, एक बार इसे चला लें। पहले बिना इसे दूध के चलाएं, फिर थोड़ा सा चलाने के बाद में हम इसमें दूध को ऐड कर देंगे। दूध को डालने के बाद में हम इसे एक बार और चला लेंगे। बस चलाने के बाद में हम इसमें हमारी आइस क्यूब्स डालेंगे, चीनी और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे जब तक कि ये स्मूथ नहीं हो जाए। ये हमारा मैंगो मिल्कशेक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सर्व करने के लिए एक ग्लास में निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही ठंडा और टेस्टी मिल्कशेक बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसे कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ मैंगो के पीसेस भी डाल के सर्व कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।